राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। स्वस्थ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रही जैसिनपुर तहसील, राहुल यादव जैसिनपुर। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार स्वस्थ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए पानी के तनाव बहा रही है, वहीं जैसिनपुर तहसील प्राणगण स्वस्थ भारत मिशन के दावों को ठेंगा दिखा रही है। बताते चले कि सुल्तानपुर जिले के जैसिनपुर तहसील प्राणगण में इस समय गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही साथ तहसील प्राणगण में शौचालय की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अधिवक्तागणों तथा दूर दराज से चलकर आए हुए आगंतुकों को इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तहसील प्राणगण के अंदर पेशाब घर तो बनाया गया है, परंतु गंदगी के कारण लोग उसे इस्तेमाल करने के बजाय बाहर खुले में शौच के लिए मजबूर हो रहे हैं। तहसील प्राणगण में बने 12 एसोसिएशन सभागार में शौचालय तो बनाया गया है, परंतु उसमें दिन भर ताला लटकता रहता है, जिससे अधिवक्तागण भी इमरजेंसी में खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस प्राणगण में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहते हों, वहाँ पर इस प्रकार की गंभीर समस्या पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। आखिर कैसे पूरा होगा स्वस्थ भारत मिशन का सपना? बरसात के समय तहसील प्राणगढ़ के दक्षिण गेट तथा रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर पानी तथा कीचड़ बड़ा होने के कारण लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। तहसील प्राणगढ़ में पेयजल तथा कूड़ेदान की भी समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, मगर जिम्मेदार पूरी तरह मौन है। अब देखना यह है कि जैसिनपुर तहसील प्राणगण में आने वाले लोगों को इस गंभीर समस्या से निजात मिल पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।